अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज गुज्जर नाले से मुतालिक आपको अपडेट देने के लिए आए हैं। ख़ासतौर पर वो घर जिनको मज़ीद तोड़े जाना है, ऑपरेशन मज़ीद होगा। लोगों में काफ़ी खलबली थी और उसके बाद फिर यहाँ के जो मुतासरीन हैं उन्होंने रजू किया था। अब उनका मौक़िफ़ सुनेंगे, कहाँ कहाँ निशानात लगाए गए हैं इस वीडियो में वो दिखाएँगे और उसके बाद घर कितनी मज़ीद टूटेंगे और ये सारी तफसीलात इस वीडियो में आपको दिखाएँगे। और हम कोशिश करेंगे कि पहली बार आज, इससे पहले आपने FW का डायरेक्ट मौक़िफ़ नहीं सुना कि नाले की जो बनावट है या जो तामीर है वो किस तरह हो रही है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आप देखेंगे, तो इसलिए मेरे साथ रहेगा। यह हम इस वक्त जो है कबाइल कॉलोनी में मौजूद है। कबाइल कॉलोनी में आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे निशानात लगाए गए हैं जिसमें हमने कुछ बात करनी है यहाँ के ऑफिशियल से कि नए निशानात लगाने की असल वजह क्या है, वो तफसीलात है। उसके बाद फिर जो मॉडर्न नाले की जो असल शक्ल थी, यानी कि अब असल शक्ल दिखना शुरू हो गई है कि मॉडर्न नाला बनाया किस तरह जा रहा है, क्योंकि पहले हर जगह खुदाई हो रही थी, अब जगह जगह पर जो है काम हो रहा है। अब काम कब कम्प्लीट होगा वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आप देखेंगे। और अब शहर जो डूबने से बचाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इकदाम थे, उसके मुताबिक क्या काम हो रहा है वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये हम कोशिश करेंगे कि प्याला होटल से लेके लंडी कोतल के बाद फिर लियारी नदी और यानी कि फेडरलबीर और नॉर्थ नाजिमाबाद के जो एरिया है वो मुकम्मल हम इस वीडियो में आपको कवर करके दिखाएंगे। कितनी रोड है, हुकूमत का जो ऑफिशियल वर्जन था उस पर उसके मुताबिक काम हो रहा है। उसके बाद फिर जो FW है अब वो क्या करने जा रहा है, क्योंकि लोगों में काफ़ी खलबली भी मच चुकी है, परेशान भी हैं कि नए जो निशानात लगाए जा रहे हैं, नई जो कटिंग होगी तो अब उनके घर मज़ीद कितना जाएंगे, तो इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा और आपको सारी तफसीलात पहली बार जो है वो सामने आ रही है, तो इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अच्छा, तो जनाब ये सामने जो एरिया नज़र आ रहा है ये है कबाइल कॉलोनी का और आपको गुज्जर नाला का जो मॉडर्न नाला है इसकी दीवार नज़र आ रही है। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ घूमूं तो ये है फेरलबीर या ब्लॉक 12 का। अब यहाँ सामने जो घर नज़र आ रहे हैं इन घरों के ऊपर निशानात लगाए गए हैं और इन घरों को कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत तोड़ रहे हैं और कुछ लोग जो है कुछ मशीनरी पहुँची थी KMC एंटी एनक्रोचमेंट की, उन्होंने मसमार किए हैं। अब जो मुतासरीन हैं उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर जो मुतलका हुकाम हैं उनका क्या कहना है कि एक मजीद एक जो तोड़ फोड़ क्यों हो रही है उसकी सूरत-ए-हाल भी आपको दिखाते हैं। तो लिहाजा पहले आप मुनीर भाई का मौक़िफ़ सुने जो इलाका मकीन है जिनका घर मुतासर हुआ है, उसके बाद फिर आगे जो आपको तफसील दिखाते हैं कि नाले की बनावट और उसके बाद फिर आपको रिव्यू देंगे, पूरा विज़िट कराएंगे नाले का कि कितनी जल्दी कितनी यानी कि मानसून की जब बारिशें होंगी इस साल तो क्या उससे पहले नाला मुकम्मल हो चुका होगा या इस बार भी शहर डूबने का ख़तरा है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मुनीर भाई ये बताइएगा कि यहाँ तो ऑपरेशन मुकम्मल हो गया था, तोड़ फोड़ मुकम्मल हो गई थी, तो अब क्या अचानक हुआ कि ऑपरेशन करने के लिए पहुंची थी मैं। सर ये कल आई है लोग, कल आने के बाद जो ना इन्होंने जो मेरा मकान जो स्टार्टिंग में जब आए थे वो जो मार्किंग करके गए थे उस मार्किंग में मसरूर और काजी आरिफ उसने मार्किंग की थी, मसरूर ने उसको तोड़ा था और वहाँ पर खरूल वरा, वहाँ पर कोई खरूल वरा नहीं तोड़ा था वहाँ पर, क्योंकि मसरूर के अंडर में खरूल वरा था। उसने बिल्कुल मार्किंग से एक इंच भी मतलब हमें रिलीफ नहीं दी, पूरी जगह बिल्कुल पूरी जगह तोड़ी थी इन्होंने। तोड़ने के बाद वो चले गए। इसके बाद यहाँ पर जितने भी घर देख रहे हैं ये सबको ओके करके गए और मैक्सिमम एक एक दो फिर जगह ज़्यादा तोड़ के गए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी और यहाँ के लोगों ने बड़ा कॉपरेट भी किया इन लोगों के साथ, कोई मतलब पंचायत नहीं की, जबकि ये इलाका भी लीज वाला इलाका है, जबकि ये इलाका स्टे हुआ था। लेकिन जैसे स्टे क्लियर कर ख़त्म कर दिया तो उन्होंने कुछ इनको मजम्मत नहीं करी और उन्होंने इलाका तोड़ने दिया और अपनी मर्ज़ी से वो तोड़ के गए। KMC वाले कह मैं खरू वाला मसरूर जो अपने मर्ज़ी से तोड़ के गए। लेकिन कल जब आए और हमने इसको बोला, पूछा हमने इससे बाकायदा खरू वाला से कि भाई आप तो ये पूरी जगह आप ही तोड़ के गए हो ना और निशान के मुताबिक आप तोड़ के गए हो, तो आप दोबारा क्यों आ गए। उसने डायरेक्ट मना कर दिया, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। वो वहाँ अभी आरिफ काजी की जगह पर कादरी आया हुआ है, कादरी से पूछो। जब मैं कादरी के पास गया होंगे सर, जब यहाँ पर पूरी 30 फीट के जगह रोड की जगह पर जो है तोड़ के चले गए और यहाँ पर सारे तोड़ दिए। अब इन्होंने दीवार बोले यार दीवार इस साइड आ गई, मैंने दीवार उन्होंने गलत खड़ी कर, हमने उस वक्त भी रोका था कि यार दीवार गलत खड़ गई, हमारी तरफ जो है दीवार आ गई है, ठीक है ना। अब गलती इन लोगों की है। अब आप जो ना फिर दोबारा हमारा मकान जो 2, 4, 4, 10, 10 फीट हो या 6 फीट 8 फीट जगह बची हुई है और फिर प्लस आप उसको वापस तोड़ने आ गए। और प्लस फिर हमने इनको बोला कि सर ये तो हमारे पास आवाज़ आई थी कि 20 फीट का रोड है, तो उन्होंने बोला किसने बोल दिया 20 फीट का रोड है, ठीक है ना। और यहाँ पर जिसकी 28 फीट की जगह जहाँ पर है वहाँ पर भी 2 फीट तोड़ ले और जहाँ 25 फीट की जगह है वहाँ पर भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मतलब 20 फीट से ज़्यादा जगह ही है, ज़्यादा है पर ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसका मतलब एक तो ये सिर्फ मुँह ज़बानी बोल रहे होते हैं, नोटिस ये जारी करते नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी करें तो फिर वो पाबंद हो जाएंगे कि 20 फीट या 25 फीट है। लेकिन ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सामने एक घर है, ये पहले भी इन्होंने खुद दीवार खड़ी करवाई पहले कि पीछे इतने फीट पर दीवार खड़ी कर दो मार्किंग करके, उससे दीवार खड़ी की। इसके बाद इन्होंने उस सामने वाले हिस्से को तोड़ा। आज आने के बाद कल आने के बाद इनको बोल के गए कि भाई हम 3 से 4 फीट हम और तोड़ेंगे, आप उसको तोड़ो। फिर ये बेचारे दोबारा जो ना ये अपनी दीवार तोड़ के ये 3-4 फीट पीछे पीछे कर रहे। और आपको देख सकते हैं वो वाला मकान जो वो कल तोड़ के गए, उसके पीछे जो 4-5 मकान है, 3-7-8 मकान है यहाँ पर, ये दोबारा इन्होंने मार्किंग करके ये तोड़ने के बोल के तोड़ भी रहे। थैंक यू। नाला जो है कब तक मुकम्मल हो जाएगा? इसकी चौड़ाई जो है कहाँ कहाँ कितने कितनी? ये जो नाला है इसकी दीवारें जो है ना ये जून 2022 तक हमने कंप्लीट देनी है, और इसकी चौड़ाई जो है वो प्याला डाउन से लेकर लंडी कोतल तक 60 फुट है। ठीक है, नाले की चौड़ाई सेवरेज के नाले बरसाती नाले की। और लंडी कोतल से फिर आगे लियारी तक 80 फुट है। उसके अलावा जो रोड है दोनों तरफ का 20-20 फुट का रोड है दोनों साइडों का। ये रोड भी कंप्लीट हो जाएगा जून 2022 तक? नहीं, उसके बाद रोड का काम शुरू हो जाएगा जून के बाद इंशाल्लाह। 2022 में ख़त्म करना है ये, आखिर तक 2022 के दिसंबर तक। हाँ जी, ठीक है। तो कुछ जगहों पर नई कुछ निशानात लगाए हैं कुछ नई कटिंग के लिए, वो जो इसके एरिया में आ रहा था ना, किसी का फुट किसी का मीटर कम कटाई जो है वो इसके मुताबिक की जा रही है, दोबारा की जा रही है। मतलब जो चौड़ाई और लंबाई है वो पूरी की जाएगी? बिल्कुल पूरी की जाएगी। जहाँ कहीं किसी न किसी वजह से छूट दी गई थी अब उसको दोबारा किया जाएगा। उसको ज़्यादातर जो वो कवर किया है, लेकिन जो ज़रूरी जगह है वो की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। अब थोड़ा सा तारफ़ करवाइएगा, सुपरवाइज़ करेंगे यकीनन। हाँ, मैं साइट इंजीनियर FW की तरफ से। तो ये कहाँ इस वक्त काम हो रहा है, और अब नाले की चौड़ाई गहराई और उसके बाद फिर सेवरेज का किस तरह बना रहे हैं? ये पूरे 12 किलोमीटर पर काम हो रहा है। नाला है ना 12 किलोमीटर का पूरा, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे वॉल्स की हाइट भी कम है और इसकी विड्थ भी कम है। कंडूट्स हैं ये सेवरेज के, इनकी भी साइज़ कम है। थ्रू आउट जब आगे जाते रहते हैं तो पानी ऐड होता रहेगा, बारिश का भी और सीवरेज का भी, तो उसका साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं हम। उसके बाद इसके ऊपर से रोड बनेगी। अभी 20 फुट या 30 फुट डिसाइड होना है, जब स्टार्ट होगा काम तो पता चलेगा। अच्छा, रोड का भी हतमी फैसला नहीं हुआ? हतमी नहीं हुआ, लेकिन कटिंग हमने 20 तक किया, आगे 30 की नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ मजीद फिर घर तोड़ रहे हैं, कह रहे नहीं वो 20 तक थे और 30 उनको करना है, तो मजीद कुछ घरों में ऑपरेशन के लिए KMC वाले पहुँचे थे। वो अभी जैसे आ रहे हैं ना, काम चल रहा है तो हमें स्पेस कुछ रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, लेकिन पॉपुलर नैरेटिव यही है कि 20 फीट तक चाहिए, अभी तक यही है। अच्छा, ये जैसे इस तरफ ये नाला ये यकीनन ये सेवरेज के लिए इसको छत देंगे और इसके ऊपर छत देंगे, इसके ऊपर रोड आ जाएगी। इस लेवल से रोड स्टार्ट होगी, इसकी टॉप पर 20 फुट की रोड होगी। और ये नाला यहाँ पर जो बरसाती नाला है वो उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी इस जगह पे 60 है, पीछे 40 है, आगे 80, जिस तरह आगे जब बढ़ता रहता है ना उसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ हतमी डेडलाइन है कि कब तक ये इंशाल्लाह इस साल के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये कराची में अभी मानसून की बारिशें होती हैं तो उससे पहले ये कवर नहीं हो सकता? मानसून की बारिशों के टाइम पे मोस्ट लाइकली मतलब मेजर पोर्शन इसका कवर होगा, लेकिन ये आप देख रहे हैं ज़्यादातर इलाकों में ना पीछे दोनों साइड की वॉल्स बन चुकी हैं, आगे एक साइड की वॉल है, तो सेकंड टाइप की साइड के पानी को इधर शिफ्ट करना है, उसके बाद वहाँ वॉल शुरू होगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। तो जनाब, हम प्याला होटल से होते हुए जो मुतासरीन हैं जिनके घरों के ऊपर नए निशानात लगे हैं, कुछ आगे फेडलबीर या ब्लॉक जो है 5, 12 और उसके बाद फिर रहमानाबाद के इलाकों में भी कुछ कटिंग के निशान लगे हैं। कुछ बताया गया है कि मज़ीद घरों को तोड़ा जाएगा। अब कितने घरों को तोड़ा जाएगा, कितनी जगहों में कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती है, वो सारी तफसीलात तो आपको हम इस वीडियो में हम बता चुके हैं। और उसके बाद फिर इंजीनियर से भी हमने आपकी बात करी, मुतासरीन का मौके भी जाने की कोशिश की। अब मेरे साथ तनवीर आलम मौजूद हैं, क्योंकि हम कराची में जो होने वाला तरक्याती काम है वो आप सब तक पहुंचाने के लिए पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो देखने वाले हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो तनवीर भाई, आप नाले पे आए काफ़ी अरसे बाद, तो आप मुझे तो कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा मकाम नज़र नहीं आया कि जिस जगह पर कोई तेज़ी से काम हो ना रहा हो, तो अब आपने आके क्या देखा इस तरह? देखिए, आपकी भी इंजीनियर से बात हुई, हमारी भी इंजीनियर से बात हुई, उनका कहना है कि जून में नाले की दीवार मुकम्मल करनी है। यानी जून में टाइम कितना रह गया, 2 से 3 महीने, तो इसका मतलब यह है कि वो मज़ीद 8 घंटे वाली कहानी नहीं है, अब 16 घंटे से भी ज़्यादा काम हो रहा है, और इसके साथ इसकी रफ़्तार भी मज़ीद शायद बढ़े, क्योंकि दिसंबर तक तो इन्होंने मुकम्मल करना है सड़क डालकर। तो आपको स्पीड भी नज़र आ रही काम की, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। हाँ, लेकिन लोग थोड़े से परेशान ज़्यादा हो गए, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोगों के, शायद भाई कि जब किसी का घर जाता है पहले गया हो और आपने उसको दोबारा से बनाया हो, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप घर बनाते हैं ना कटने के बाद तो वो आसानी से नहीं बनता, उस पर भी लाखों रुपये खर्च होते हैं। मगर अभी दोबारा से कटिंग का मरला आ रहा है तो उसकी वजह से लोग परेशान है। लेकिन आज जो इंजीनियर है, जो FW का अमला है, वो कह रहा है कम से कम काटने की कोशिश पहले भी की थी और इस बार भी कोशिश यही है, और उन्हीं जगहों पे कटाई हो रही है, नए निशानात लगाए गए जहाँ पर लाजमी हो गया, यानी उसके बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी नहीं गुजर रही थी, यानी बाइक गुजरने का भी रास्ता नहीं था। गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, 20 फुट का रोड चाहिए तो उसके लिए बाइक गुजरने के लिए आपको 2 फुट का रोड चाहिए बहुत होता है, लेकिन वो भी नहीं गुजर पा रही थी। तो शायद ये भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर घर दोबारा से कट रहे हैं और कुछ लोगों के घर 8 घरों को गिराया गया है और शायद मज़ीद ये घर और देखिए बहुत सारे, क्योंकि शुरू में मैंने जब YouTube पे शुरू किया था तो ये गुज्जर नाले के मुतासरीन थे जिनकी मैंने कोशिश की, सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, क्योंकि उनके जेन्युइन मसाइल थे। एक तो ये था कि जो नाअहली थी इदारों की, वो नाअहली ये थी कि नालों को साफ़ नहीं किया जाता था। उसके बाद फिर आपको पता है कि अगर तजावज़ात हो रहे थे, अगर लोगों के घर आगे बढ़ाए गए तो नालों के अंदर लीज़ किसने जाके दी, तो हमारे इदारों की गफलत और लापरवाही थी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान पूरे शहरियों को, पूरे कराची वालों को उठाना पड़ता था। उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे जारी किए उस पर तनवीर भाई अमल दरामद नहीं हो रहा था, मुसलसल अब भी नहीं हुआ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वहाँ, बल्कि ख़ुद हुकूमत ने कमिटमेंट की थी कि भाई 20,000 रुपये फ़ी घराने को किराया दिया जाएगा। यकीन माने 45,000 रुपये की किस्त भी थी, वो सारी एक जो है चेक मिला है, जो हमारे 45,000 का एक चेक जो मिला था, 90,000 एक चेक मिला है। साल से ज़्यादा हो गया है, बल्कि अब तो दूसरा साल शुरू होने वाला है, तो वो उनको पैसे नहीं मिले। और उसके बाद फिर बार बार जैसे कहा गया था कि किस्तों में पैसे मिलेंगे, वो नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी आबादकारी की जाए। सिंध हुकूमत ने एक काबीना के इजलास में सरजानी टाउन के अंदर ये स्कीम 45-63 टाउन में था, तो उसमें भी जो पिछले दिनों एक काबीना के इजलास में बताया गया कि 3 सेक्टर में जगह मुख्तस की गई है, 9 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। तो इनकी आबादकारी के लिए फिल वक्त कोई इकदाम नहीं उठाया गया है। अब जिनके मतलब कुछ फुट घर बच गया था, यानी कि किसी का 10 फुट बच गया था, किसी का 4 फुट, किसी का 6 फुट, तो उसमें लोग गुजारा कर रहे थे, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अभी भी चादरें और झोपड़ी में या बगैर छत के रह रहे हैं। तो हुकूमत ने कोई काम नहीं किया और उसके बाद मजीद टूट रहा है, तो इस वजह से और ज़्यादा परेशानी। बड़ी आसान सी बात है कि जिसके पास पैसे हो ना, वो नाले पे नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मान ले। तो बहरहाल जिम्मेदारी भी हुकूमत की थी, इनको रियासत की जिम्मेदारी तो है ना। रोटी कपड़ा मकान, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नारा लगाती है तो रियासत का भी यही नारा होता है ना, कि बुनियादी तौर पे चीज़ें फराहम करना। और सिंध काबीना जब वज़ीर आला ऐलान कर चुके हैं कि जो भी मुतासिर उनको घर के बदले घर देंगे, तो उस बात को भी कम से कम, यानी ऐलान को भी 6 महीने हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बात तो पहले से, मुतालबा पहले से हो रहा है, लेकिन उस ऐलान को, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और इनके पास इतने वाकई पैसे नहीं है कि ये 4 फुट पे रह रहे हैं। वो दावा किया है, वो हुकूमत ने एक दावा किया था कि 9 अरब रुपये मुख्तस कर दिए हैं। अच्छा, 9 अरब रुपये जब आपने मुख्तस किए गए हैं, तो आपका नारा भी पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान, अब ना शहरियों के पास 4000, आपने खुद बताया वीडियो में, 4000 घर जो है मुतासर हुए हैं, जिसमें रोटी भी गई, कपड़ा भी गया, मकान भी गया, यानी कि कुछ नहीं बचा। 4000 खानदान, उससे ज़्यादा, क्योंकि एक घर में 6-6 फैमिलीज रहती थी। तो एक तो ये मुश्किल है। दूसरा, अब अगर हम नाले की तामीर के हवाले से बताएं तनवीर भाई, ये जो काम हो रहा है, आप पीछे आपके अक्का में नजर आ रहा है, और आप कोशिश कीजिएगा कि अहली शॉट्स के जरिए लोगों को दिखाएं कि एक जो नाले की यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 60 फिट होगी, खासतौर पर बरसाती नाले की। ये कराची की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हाथों से, यानी कि मशीनरी की कंस्ट्रक्शन से, ये बरसाती नाला जो है वो बनाया जा रहा है। और उसके बाद फिर बरसाती नाले के साथ साथ दोनों अतराफ़ में, यानी कि नाले के मशरक़ और मगरब की साइड सीवरेज का जो सिस्टम है वो अलग होगा। देखें अमूमी तौर पर ये बुनियादी तौर पर जो देखा गया है, या हमें जो लोग बताते हैं कि 40-50 साल पहले ये जो गुज्जर नाला है ये बरसाती नाला ही था सेवरेज का, तो इसको बाद में ज़बरदस्ती बना दिया गया है। अब चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, तो उसके बाद मॉडर्न नाला जो बनाया जा रहा है वो इस तरह है कि तारीख़ में पहली बार बरसाती नाले का कॉन्सेप्ट कराची में है कि जो नाले का सेंटर होगा वो मतलब प्याला होटल से लेके लंडी कोतल तक 60 फुट, और प्याला होटल से जो है वो 0.9 कराची तक जो है वो 40 फुट, और उसके बाद फिर लंडी कोतल से आगे जो लियारी नदी तक है वो 80 फुट जो है नाले की चौड़ाई होगी बरसाती नाले की। उसके बाद फिर जो साथ में सेवरेज का नाला चलेगा दोनों अतराफ़ में, उसकी चौड़ाई भी इसी तरह जूँ जूँ आगे बढ़ता जाएगा, उसकी बदतदरीज चौड़ाई जो है उसकी बढ़ती जाएगी, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेवरेज का पानी होगा। यानी कि इस तरफ जो रोड के नीचे नाला होगा वो नाला है जो बनाया भी जा रहा है, लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, सेवरेज के नाले को ढक रहे हैं और बरसाती नाला खुला होगा, बिल्कुल प्रॉपर प्योर तरीके से उसको ढक रहे हैं। वो भी मुकम्मल कंक्रीट के साथ बना होगा, उसकी छत कंक्रीट के साथ होगी, दीवारें कंक्रीट की और फर्श कंक्रीट के साथ मुकम्मल बना हुआ। उसके बाद फिर ऊपर जो है वो रोड ढलने के साथ, उसके बाद फिर जो दीवार होगी वो पहली जो दीवार आपको पड़ेगी वो दीवार होगी बरसाती नाले की, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह का है, पीछे जिस तरह काम होता हुआ आ रहा है, और हर जगह पे काम हो रहा है। यानी कि अभी यहाँ मशीन हर जगह नजर आ रही है। आखिरी सवाल ख़त्म करते हैं, ये बताएँ कि कितनी उम्मीद है आप इस इलाके की रिहायशी भी हो, पानी के मसाइल जो होते थे वो ख़त्म हो जाएंगे? ये सिर्फ कराची का नहीं, यहाँ बल्कि इलाके का नहीं, पूरे कराची के अवाम का फ़ायदा होगा, इसलिए कि जब ये इलाके मुतासर होते हैं तो फिर कराची के दीगर इलाके मुतासर होते हैं। यानी कि आपको नागन चुरंगी मुतासर होता था, यूपी मोड़, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, अंडा मोड़ तक, और इसके अलावा नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके और ऐशा मंडल यासिनाबाद तक जो इलाके थे वो इसी तरह इसी इलाके से मुतासर होते थे। जब यहाँ बरसाती पानी की निकासी नहीं होती थी तो दीगर इलाके ज़ेराब आ जाते थे। अब उन सारे इलाकों का फ़ायदा होगा, लेकिन आखिर में जैसे वही वाली बात कि बेहतरीन काम हो रहा है और हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनकी आज तक दादरसी नहीं की गई हुकूमत ने, तो वो दादरसी हो जाए तो बेहतरीन किस्म का काम हो गया ना। काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कि उनकी हौसला चिकनी नहीं होगी, ज़ाहिर है वो उनको भी एक अच्छा वो फील होगा कि हुकूमत ने उनका भी कुछ सोचा है, हुकूमत उनका बारे में ज़रूर सोचेगी। तो इस दुआ के साथ शाहिद भाई और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। उसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब पर। अल्लाह हाफिज़।